तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवराव फिल्म जो कि 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई थी, उसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कितना कलेक्शन किया है, यानी कि सिनेमा घरों के अंदर कितना पैसा छापा है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डिकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दमदार रिव्यू। तो फिर आपसे वीडियो शुरू करते हैं। तो सब सभी को पता है कि देवराव फिल्म 27 सितंबर 2024 को रिलीज हुई थी और बहुत ही शानदार फिल्म रही है। जिन्होंने भी देखी है ना, कमेंट करके जरूर बताना कि फिल्म आपको कैसी लगी। मैंने देखी है दोस्तों, एक्शन तो इतना ज़्यादा था ना भाई, पूछूंगा ठीक है। रिव्यू के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि एक्शन इतना ज़्यादा भरपूर है इस मूवी के अंदर कि एक्शन ही एक्शन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों रियलिस्टिक एक्शन यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे मूवी रिव्यू के बारे में ना करते हुए, अपन बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस फिल्म ने अब तक कितना पैसा कमाया है। 300 करोड़ रुपए के बजट से बनी ये फिल्म, क्या अपना पैसा रिकवर कर पाई है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज दूसरा दिन इस मूवी को और आज के जो टिकट है पहले से ही बुक हो चुके हैं, यानी कि आज भी बॉक्स ऑफिस पूरा का पूरा भरा रहेगा। सारे सिनेमा थिएटर रहेंगे, सबके सब फुल रहेंगे ठीक है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पूरे संसार के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर इसने कितना पैसा कमाया है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको डेली का डेली अपडेट ऐसे मिलता रहेगा जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव लगता रहेगा ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी जरूर करें दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों स्त्री 2 जब आई थी ना, वो अपने बजट से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा चुकी है। बॉलीवुड की अगर अपन बात करें तो बॉलीवुड के अंदर स्त्री 2 सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई थी और उसने अब तक यानी 45 दिनों के अंदर अब तक 863 करोड़ रुपए की अर्निंग की है। जी दोस्तों, 863 करोड़ रुपये की अर्निंग उसने कर ली है अब तक। वह अगर बात करें अपन थलापति विजय की फिल्म द गॉड ने तो 250 करोड़ रुपए की अर्निंग उसने भी की है लगभग लगभग ठीक है दोस्तों। लेकिन 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 क्या ये साउथ की फिल्म थलापति विजय को पीछे रख पाई है या फिर द गॉड यानी कि स्त्री 2 को पीछे रख पाई है? दोस्तों यहाँ पे किसी की भी अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि साउथ की फिल्में कुछ अलग लेवल की होती है, 5 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज की गई है। तो दोस्तों अपन बात करेंगे अपन सबसे पहले कि साउथ की फिल्म ने हिंदी सिनेमाघरों में कितना पैसा कमाया है। दोस्तों हिंदी सिनेमाघरों में की अगर बात करें तो साउथ की फिल्मों ने यानी कि देवरा फिल्म ने कल यानी कि कल जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन का अगर कलेक्शन की बात करें तो उस दिन 7.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स को उम्मीद थी कि 5 करोड़ लगभग 4 या 5 करोड़ रुपये कमाएगी हिंदी सिनेमाघरों के अंदर, लेकिन इसने सबकी उम्मीदें से भी ज़्यादा पैसा कमाया है, यानी 7.3 करोड़ रुपए की अर्निंग इसने हिंदी सिनेमाघरों के अंदर फर्स्ट डे की थी। और सेकंड डे की बात करें दोस्तों तो सेकंड डे आंकड़े फिर भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि बॉलीवुड के अंदर क्या होता है, हिंदी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज से भी अगले दिन 3 दिनों तक अर्निंग बढ़ती रहती है ठीक है। तो यहाँ पर अर्निंग बढ़कर सेकेंड डे हो गई 8.50 लाख करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, 8.50 करोड़ रुपए की अर्निंग उसने सेकंड डे यहाँ पे कर ली है। दोस्तों टोटल ग्रोस की बात करें यहाँ पे तो 18.50 लाख का टोटल ग्रोस हो चुका है, 18.50 करोड़ का टोटल ग्रोस अर्निंग यहाँ पे हो गया है हिंदी सिनेमाघरों का दोस्तों। दोस्तों अगर आगे अपन बात करेंगे ऑल लैंग्वेज यानी 5 अदर लैंग्वेज तमिल तेलुगु इस प्रकार की लैंग्वेज की अगर अपन बात करें पूरे वर्ल्ड की यानी पूरे इंडिया की तो वहाँ पे इसने कुल कितना पैसा कमाया है दोस्तों। तो फर्स्ट डे दोस्तों और लैंग्वेजेस के अंदर 78.5 करोड़ रुपए की अर्निंग इसने फर्स्ट डे की है दोस्तों। आंकड़ा चौंकाने वाला है और बहुत ही अच्छा आंकड़ा यहाँ पे रहा है दोस्तों। सेकंड डे की अगर अपन बात करें दोस्तों की और लैंग्वेज यानी साउथ की फिल्मों में अक्सर क्या होता है, दूसरे दिन ऑटोमेटिक आंकड़े गिर जाते हैं ठीक है क्योंकि अर्निंग ऑटोमेटिक कम होती है। सभी फिल्मों के साथ में होता है, इस फिल्म के साथ में भी हुआ है और 22% का डिक्रीज यहाँ पे हुआ है और 62.50 करोड़ रुपए की अर्निंग यहाँ पे सेकंड डे पे हुई है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे अपन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में यानी कि पूरे अदर स्टेट यानी अदर वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ है ठीक है। तो दूसरे जो भी देश हैं वहाँ पे ये मूवी लॉन्च हुई थी, चली थी और वहाँ से भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन किया है। 58.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन वहाँ से हुआ है दोस्तों फर्स्ट और सेकंड डे का मिला के। दोस्तों अगर अपन बात करेंगे कुल ग्रोस की ठीक है तो
कुल ग्रॉस यहाँ पे हुआ है ऑल इंडिया का 167 करोड़ रुपए और वर्ल्ड का हुआ है 58 करोड़ रुपए। अप्रोक्सीमेट जो अर्निंग उसने फर्स्ट और सेकंड डे की हुई है यहाँ पे 226 करोड़ रुपए की अर्निंग यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों, यानी कि 226 करोड़ रुपए ये फिल्म अब तक कमा चुकी है। लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि अब आने वाला संडे है, हाँ सैटरडे हो चुका है, कल संडे है, यानी कि अब इसकी अर्निंग और भी ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, यानी कि ये अपनी बजट से ज़्यादा पैसा कमाने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आपको डेली का डेली अपडेट आपको देते रहेंगे ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे, कल भी आपको अपडेट मिल जाएगा इसका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट मिले और आपको पता लगे कि हाँ यार फिल्म कैसा कमा रही है, ब्लॉकबस्टर हो रही है, अच्छी फिल्म है, लोगों को देखने को मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, जो फिल्म कम पैसा कमाती है लोगों को पसंद नहीं आती, सीधी सी बात है, जो फिल्म ज़्यादा पैसा कमाती है ब्लॉकबस्टर होती है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही पता चलता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर है यानी कि बहुत ज़्यादा वायरल फिल्म है या नहीं है।